माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन वीडियो चैनल विमेन पल्स। मैं गुंजा आज आप लोगों के आगे एक मेकओवर वीडियो लेके आई हूँ। ये मेकओवर वीडियो मेरे ड्राइंग रूम का है। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि मैं अपने ड्राइंग रूम को एक नया लुक दूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं और ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा घर अभी नया बना है, तो इसे एक मेकओवर की ज़रूरत है। चीज़ें अभी बहुत प्लान्ड वे में नहीं हैं, तो मैं छोटे छोटे बात्स में अपने घर के हर एक एरिया को एक नया लुक दे रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने अपने ड्राइंग रूम को एक नया लुक दिया, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरा जो ये प्लान किया हुआ मेकओवर है ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियरी हो, अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि आपके लिए भी फायदेमंद हो और मेरे लिए भी। तो सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं। यहाँ पर मैं DIY रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, और मेरे जो चैनल की खासियत है वो ये है दोस्तों कि मैं ज़ीरो बजट में कोई भी DIY बनाने की कोशिश करती हूँ। जो चीज़ें हमारे घर में वेस्ट हैं उनसे मैं कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ, और मैं वैसे ही वीडियोस अपने इस चैनल पे अपडेट करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे वीडियोस से आप भी अपने घर में कुछ नया करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। तो गाइज, अब बात करते हैं मेकओवर वीडियो की। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम को एक नया लुक दिया है, तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने उसे एक नए तरीके से तैयार किया है। तो गाइज, ये मेरे ड्राइंग रूम का अभी का लुक है। तो मेकओवर के पहले मेरा ड्राइंग रूम कुछ ऐसा दिखता था। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मिनिमम चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। तो किसी भी रूम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी डेंसिटी, और एक रूम की डेंसिटी हम लोग कर्टन से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने विंडो एरिया पे कुछ रॉड्स पहले से लगवा लिए हैं, जिसका वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ। तो मैं यहाँ पर, आप देखिए, इन रॉड्स में कुछ कर्टन्स मैंने परचेज किए हैं, उन कर्टन्स को मैं इसमें अरेंज करूँगी, ताकि जो रूम की ऑक्यूपेंसी है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा सकूँ। तो कर्टन्स यहाँ पर पे मैं जल्दी से लगा देती हूँ। कर्टन का आपके किसी भी रूम के ऑरा में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हमें कर्टन्स हमेशा ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जो हमारे रूम के कलर को कॉम्प्लीमेंट करें। या तो हम उसे रूम के कंट्रास्ट में लें, या अगर हमारे रूम में जो कलर है वो अगर लाइट है तो हम अपने कर्टन्स को उससे ही मिलता जुलता रखें, या फिर अगर आपके कर्टन्स आपके फर्नीचर से मैच कर रहे हैं तो आप ऐसे कर्टन्स लीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने कर्टन्स चूज़ किए हैं, ये कर्टन्स मेरे रूम को बहुत अच्छे से कंट्रास्ट कर रहे थे, रूम के कलर को कंट्रास्ट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर इस कलर के कर्टन्स चूज़ किए हैं। तो गाइज, अब कर्टन्स लगाने के बाद मैंने कुछ कर्टन टायर्स खरीदे थे जिनसे मैं कर्टन्स को बांध सकूं, तो उनको मैंने यहाँ पर अपने जो रॉड के एंड्स हैं उन पर यूज़ किया है। दोस्तों, साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि जो भी चीज़ें मैंने अपने ड्राइंग रूम में यूज़ की हैं वो मैंने कहाँ से परचेज़ की हैं, और अगर मैंने उनको ऑनलाइन परचेज़ किया है तो मैं उसका लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइज़, जैसे कि आप ये यहाँ पे वॉल लाइट देख सकते हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर की चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ पास कुछ दिवाली की लाइट्स पड़ी थी जो मैंने इन कर्टन्स पे डाली, और देखिए इन कर्टन्स का जो एक लुक है, एक व्यू है, वो कितना खूबसूरत आ गया। तो अब बात करते हैं हम अपने सोफ़ों की। तो ये जो मेरे सोफ़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन थे, तो इसको मेकओवर करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था कुछ सोफ़े के कवर्स। तो ये मैंने कुछ सोफ़े के कवर्स परचेज़ किए हैं, और बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में मैंने इनको परचेज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने अपने सोफ़े के कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग फिर से ये कलर्स लिए हैं।
तो आप भी अपने सोफ़े का कलर और अपने सोफ़े का शेप ध्यान में रखते हुए अपने सोफ़े के लिए कवर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इन सोफ़ों के कवर्स को अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर डायमंड बटन एम्बेडेड कुशन कवर्स अपने सोफ़े पे अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको लगाते ही सोफ़े का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो गया। तो आप सब देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है ये काफ़ी खाली लग रहा है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल रखूँगी और ये टेबल एक कॉफ़ी टेबल है जिसको मैंने खुद से ही DIY किया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब नेक्स्ट मैं ये डिसाइड कर रही थी कि मैं इस टेबल पे क्या चीज़ रखूँ जिससे ये टेबल एक कंप्लीट लुक दे। तो यहाँ पर एक वास मैंने लिया और ग्लास वास और इसमें मैं कुछ फ्लावर्स लगाऊंगी जिससे कि जो ये टेबल है ये थोड़ी सी और ज़्यादा एलिवेटेड दिखे। इस टेबल के अलावा इस कॉर्नर पे मैंने कुछ और ख़ास चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पर एक वॉल माउंटेड कॉर्नर रैक लगी हुई है और कुछ वॉल हैंगिंग्स हैं। तो जो आप फिश वॉल हैंगिंग देख रहे हैं वो मैंने खुद से ही DIY किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो ये फ़ोटो फ्रेम वॉल हैंगिंग है और जो ये आप माउंटेड रैक देख रहे हैं इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं इस कॉर्नर की जो सामने टेबल वाले कॉर्नर के जस्ट एडजेसेंट है। तो यहाँ पर ये कॉर्नर बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले इस टेबल को यहाँ पर थोड़ा सा साइड में रखा और एक प्लास्टिक का मैं स्टूल लाई और इस स्टूल को मैंने यहाँ पर एक सोफे कवर की हेल्प से जो कि पुराना है मैंने उसको एक थोड़ा सा नया लुक दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी इफेक्ट देने के लिए अपना ही DIY किया हुआ एक प्लांट पॉट यहाँ पर ला करके रख दिया है। इस कॉर्नर को लाइट फुल इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने पुरानी दिवाली लाइट्स को इस प्लांट पर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर इस कॉर्नर टेबल पे मैं एक फ्लावर पॉट के साथ साथ एक ट्राइबल स्कल्पचर रखूँगी। ये ट्राइबल लेडी मैंने खुद से DIY किया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइज अब ये मेरे पास कुछ पेबल्स हैं, इन पेबल्स को मैं इस प्लांट पॉट पे अरेंज कर दूँगी जिससे कि जो इसका बेस है वो थोड़ा सा और खूबसूरत दिखाई देगा। तो देखिए एक सिंपल से इफेक्ट से ये कॉर्नर कितना लाइटफुल और ग्रीन लगने लगा। सो गाइस घर को खूबसूरत बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से महंगे महंगे आइटम परचेज करें, हम घर में अपने ही हाथों से क्रिएट की हुई चीज़ों से अपने घर को बहुत खूबसूरत और बहुत ही एक वाइब्रेंट सा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने वॉल माउंटेड वुडन रैक लगा रखी है तो इसको मैंने कुछ बहुत ही सिंपल वे में सजा रखा था। तो ये डेकोरेशन चेंज करने के लिए मैं पहले इस पूरी वॉल माउंटेड रैक को खाली करूँगी। तो इस रैक को मैं सबसे पहले नटखट कान्हा जी से सजाऊंगी। इन कान्हा जी को मैंने अपने हाथ से DIY किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनके दोनों तरफ ये मोर के स्कल्पचर्स रख दिए हैं, बीच में एक कैंडल लैम्प मैंने रखा है, साथ ही साथ ये मेरे हाथ से DIY किए हुए कुछ आइसक्रीम मटकाज हैं जिनको मैंने यहाँ पर पॉट की तरह यूज़ किया है। तो इन छोटे छोटे मटकों में मैं कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स अरेंज करूँगी जिससे कि ये थोड़ा सा ऑक्यूपाइड दिखे। तो देखिए अब दूसरे पॉट में भी मैं जल्दी से फ्लावर्स लगा देती हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक फ्लावर पॉट लगाऊंगी जिसे मैंने अपने हाथ से ही DIY किया है। तो ये देखिए ये कुछ मेरे घर के पीछे जामुन का पेड़ लगा है, उसकी स्टिक्स मेरे छत पे गिरी थी तो उनको मैंने पेंट करके इस अपने हाथ से DIY किए हुए फ्लावर पॉट में अरेंज कर दिया है।
गाइज, ये कुछ क्लेवर हैक्स होते हैं जिनसे हम अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो बिना किसी खर्च के सिंपल सी लकड़ियों से मैंने फ्लावर पॉट के लिए कुछ अच्छे अच्छे डेकोरेटिव स्टिक्स रेडी कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर को ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से सजाएंगे। तो चलिए इस सेंटर एरिया को भी कुछ नया लुक देते हैं। इसके लिए मैंने इस कॉफ़ी टेबल को यहाँ से हटाया और मेरे पास एक पुरानी मैट रखी हुई थी जो कि यूज़ में नहीं थी, तो उस मैट को यहाँ पर मैंने स्प्रेड कर दिया है। गाइज, अब इस कॉफ़ी टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए। तो यहाँ पर मुझे एक टेबल रनर की ज़रूरत थी, मेरे पास टेबल रनर नहीं था, तो एक मेरा दुपट्टा था, उस दुपट्टे से ही मैंने टेबल रनर रेडी किया। तो आप देख सकते हैं, इस प्रोसेस से आप भी अपने घर के लिए एक टेबल रनर रेडी कर सकते हैं। ये इंस्टेंट प्रोसेस है, आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आप रोज़ रोज़ नए टेबल रनर नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने ऐसे ही घर के दुपट्टों से या कुछ अलग अलग फैब्रिक से टेबल रनर बना सकते हैं। तो अगेन गाइज, यहाँ पर देखें, ये मैंने एक फ्लावर पॉट DIY किया था, इसमें मैं कुछ सनफ्लावर बंचेस अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक ग्लास का बाउल लिया, उसमें पानी और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऐड किए और साथ ही साथ मैंने उसमें कुछ वैक्स कैंडल्स ऐड की हैं। और अब इन वैक्स कैंडल को जब मैं लाइटन अप करूँगी तो इस जो टेबल का व्यू है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ये मेरे ड्राइंग रूम का पैसेज एरिया है, तो ये मुझे थोड़ा सा वेकेंट लग रहा था, तो पैसेज का जगह छोड़ते हुए मैं यहाँ पर दो चेयर्स प्लास्टिक की जो मेरे पास रखी हुई थी उनको यूज़ करूँगी और यहाँ पर मैं अपने ड्राइंग रूम के पुराने कुशन्स को इन चेयर्स पे रखूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास दो सिमेट्रिकल लुक के फ्लावर पॉट्स अवेलेबल हैं, तो इन दोनों ही फ्लावर पॉट्स को मैं चेयर्स के दोनों साइड पे अरेंज कर दूँगी। ये देखते हैं इस मेकओवर का फाइनल लुक। तो देखिए, कुछ छोटी छोटी क्लेवर टेक्निक और हैक से हमने एक सिंपल से रूम को कितना लाइफफुल और कितना वाइब्रेंट बना दिया। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, इफ यू हैव लाइक माई वीडियो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।